Hi, Bhavya Singh. So just wait for some moment. Yes, Vimla ji, we'll be covering these some of the papers of BHU. और वो भी सिर्फ इसलिए कि अभी अपने को सही वक्त है चीजों को टारगेट करने के लिए. चलिए छोटी मोटी बातें कर लें अपन लोग. मैं दो पेपर्स को आपको एक बार कंपेयर करके दिखाता हूं. दो पेपर जो बीएचयू के जूलॉजी के थे, आई मीन 18 और आपका 19, एक डिफरेंस को आपको देखना चाहिए. क्योंकि जैसे कई लोग मुझसे बात करते हैं कि क्या डिस्क्रिपेंसी है इन दोनों के बीच में और क्यों ये अनप्रडिक्टेबल होते हैं सारे एग्जाम. ऑलवेज कॉल देम अनप्रडिक्टेबल एग्जाम. कुछ नहीं पता किसका क्या मूड हो जाएगा. दिस इज द बीएचयू 2000 जो कि शायद मेरे ख्याल से ऑफलाइन हुआ करता था. पहले 10 सवाल प्योर बायोलॉजी, ध्यान से देख लें. थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज कर दूं. पहले 10 सवाल देख रहे हो प्योर बायोलॉजी, ये है जूलॉजी 2018. ऊपर से नीचे देखा जाए, यहीं पर मैं अगर 19 को खोल दूं तो पहले 10 सवाल मैं इंग्लिश, मैथ्स और ये सब कुछ. और मजे की बात है, इवन ये जो मामला है जीके वीके पता नहीं क्या क्या, और ये मामला चलता है लगभग 25 सवाल तक. फर्स्ट 25 क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीके, उनके जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कहीं ना. यहां पर पूरे पूरे पेपर का अगर आप एनालिसिस देखो कि आपको तैयारी करनी कैसे है, तो उसको एक बार ध्यान से देखते जाना. जिन सवालों पर हम ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर आपका मोल बायो और बेसिक बायोकेमिस्ट्री चल रहा है शुरू से लेकर. ये 2019 के बारे में बात हो रही है सारी की सारी.
यानी कि 25 सवाल मैंने छोड़ दिए पूरे के पूरे। ये एक्चुअली हमारे एक स्टूडेंट ने किया था, उससे लिया था मैंने, और उनकी साइट पर आ चुका है, पीईटी की साइट पे। बीएचयू एंट्रेंस को पीईटी बोलते हैं। और अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो 25 यानी कि 26वें सवाल से लेकर और लगभग मेरे ख्याल से बॉटनी खोल दिया मैंने, बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है, बीएचयू बॉटनी 2019, 70th क्वेश्चन तक ये प्योर बायोटेक चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 70वां सवाल ओवरऑल ये बायोटेक चल रहा है, कहीं भी इन्होंने प्योर बॉटनी नहीं पूछी इसमें ओवरऑल। उसके बाद ये जो सवाल चल रहा है यहां पर, सबसे मजे की बात है इसमें ये पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन पेपर किस चीज का है। यहां पर सवाल इन्होंने पूछे हैं बॉटनी के, और यहां तक आते आते ये अर्थ फॉर्म पे आ गया, और ये इंक ग्लैंड और ये सब खत्म हो गया मामला। ये हुआ एक सवाल, बीएचयू मई 2019। चलिए भाई जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम, 18 का। जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को अगर आप शांति से देखोगे तो मैं इसको यहां मार्क करता जा रहा हूं, दो सवाल इम्यूनोलॉजी के, ये आपका टिपिकल वाला इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन इकोलॉजी, ये आपकी टाइप स्टडी यहां से शुरू हो जाती है, अगेन बेसिकली यहां से आ जाओ, ये टिपिकल क्लासिफिकेशन के शुरू हो गए यहां पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना बस, और कुछ नहीं करना है, अभी अपन सॉल्व भी करेंगे इन सबको। ये आपका अभी भी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन, तो पैटर्न का आपको कभी भी अंदाजा हो ही नहीं सकता, सच बात तो ये है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या प्रिपेयर करें, मुझे आप तो ये आंसर देते डर लगने लग गया कि अगर मैंने पिछले साल के बेसिस पे आंसर दिया तो पता नहीं बेचारे का बुरा ना हो जाए। यहाँ पर ये हार्डकोर वाली सेल बायोलॉजी, ये फोटो रिसेप्टर और फोटोसिंथेसिस कंपाउंड, किसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स, इट इज 11 सिस रेटिनल। ये ब्रूस एल्बर्ट्स का क्वेश्चन है, ये मिक्सिनिफॉर्मीज ईयर इज विद, ये क्लासिफिकेशन हार्डकोर क्लासिफिकेशन है। क्रोसेप्टेराइजी इज हैड ए स्केल ऑफ, टिपिकल स्केल्स के ऊपर सवाल है, जो कि आपके मछलियों में कौन कौन सा स्केल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उस पर बेस सवाल है। यानी कि अगर आप टिपिकल वाले जूलॉजी ऑनर्स के व्यक्ति हैं तो आप ये कर सकते हो। अगर आप प्लेन प्रोटेक्ट द इकोलाइट डाइजेशन, ये आपका अगेन मोल बायो अच्छी खासी वाली, ये आपके अल्फा केराटिन और अल्फा हेलिक्स का जो रिलेशन है, ये भी प्योरली बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। सिंपल है, तो अब स्टोरी ये है कि हमें प्रिपेयर क्या करना है। चलो कुछ सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दो सवाल और मैं आपको और दिखा देना चाहूंगा। बॉटनी अगेन, पूरा का पूरा क्लासिकल पेपर हुआ करता था ये 2017-18 में, 17-18 तक इवन, यहाँ कहीं भी हार्डकोर वाली बायोलॉजी नहीं पूछी जा रही थी। यहां से आपका शुरू होता था पीछे की तरफ से, जहां टिपिकल हार्डकोर बायोलॉजी पूछ लेते थे ये लोग, हार्डकोर मोल बायो ऑब्वियसली, बट स्टिल जो ज्यादा वेटेज था वो इन चीजों का था। 120 के लगभग सवाल हुआ करते थे एक दो साल पहले तक, ये वाले 120 120 के लगभग। तो
एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि जब कभी भी आप ये बीएचयू का एंट्रेंस दोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, और यही मामला अगर मैं डीयू के लिए पूछ लूं, इट इज फॉर डीयू, डीयू का भी एक पेपर मेरे पास रखा हुआ है, वहां भी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या आने वाला है। तो इसलिए प्लीज किसी के भी कहने पे ये मत आ जाना कि कोई आपसे कहे कि इसमें ये ज्यादा आता है और उसमें वो ज्यादा आता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा वरना। ये है डीयू का, जूलॉजी का 16 का पेपर देख लेते हैं पहले। हाँ डीयू जूलॉजी 16, ये आपका चेवरन बॉन्ड टिपिकल वाला क्लासिकल, इडिमा नोटिस, ये बायोकेमिस्ट्री ले लीजिए, डार्विनियन फिटनेस इवोल्यूशन, एस वाई बी आर ग्रीन टिपिकल वाली हार्डकोर बायोलॉजी बोलते हैं हम लोग इसको, नॉर्मल में ध्यान नहीं जाता कि रियल टाइम पीसीआर के लिए एक्चुअली इसका इस्तेमाल होता है जो कि डबल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बाइंड करती है, आंसर वैसे सी है इसका। ये आपका इकोलॉजी, अगेन बायोलॉजी टिपिकल वाली क्लासिकल, जूलॉजी मुझे यहाँ अभी तक नजर नहीं आई है, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, जेनेटिक्स, ये एम्पुला फ्लोरेंजिनी आपके शार्क के अंदर होता है, थर्मल चेंजेस इन द वाटर उसके लिए होता है, दूसरा शिकार करने के लिए होता है बेसिकली, ये दूसरे को सेंस कर लेती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाटर, नॉट थर्मल चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाटर, ठीक है। सारे के सारे सवाल अगर आपको यहाँ देख पा रहे हो अभी तक, यहां पर भी अभी इवोल्यूशन चल रहा है, ये डेंटल फॉर्मूला का, जूलॉजी का आप जाके क्वेश्चन आए, 30-32 क्वेश्चन के बाद दूसरा सवाल है। वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, इवन मेरा भी बीच बीच में नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, यहाँ आकर थोड़ा बहुत आपका कैसे, ये डीयू का 2016 का है, 3 साल पुराना, मैमल मैमल अगेन, ये आपकी बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये यहाँ जाकर चौथा पांचवा सवाल, कुल मिलाकर अगर आप पेपर को सारा का सारा ऑब्जर्व कर लो तो 2016 में 25% आपके सवाल क्लासिकल के थे और 75% आपके मॉडर्न थे, ये 100 सवाल यहाँ पर आके खत्म हो जाते हैं, और मुझे बहुत ज्यादा सवाल क्लासिकल जूलॉजी से नजर नहीं आया है, ये 100 सवाल यहाँ पर आके खत्म हो गए 2016। लेकिन जो ही मैं इसमें 2017 में जा रहा हूं, जूलॉजी 2017 2017 और 18-19 में बिल्कुल मामला अलग हो जाएगा, यहां पर अगेन क्लासिकल वाली जूलॉजी अभी तक नजर नहीं आ रही, 25 सवाल मैंने निकाल दिए। जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, अच्छा पीछे की स्क्रीन मेरे साथ रन नहीं हो रही है, अब हो रही है, ये जो कट ऑफ का मामला है ना उसको यार वो एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें ढेर सारी तरह की कट ऑफ होती है, बाहर वाले जनरल, बाहर वाले ओबीसी, बाहर वाले एसटीएससी, फिर यूपी वाले जनरल, यूपी वाले ओबीसी, यूपी वाले एसटीएससी, फिर बीएचयू का अपना कोई कोटा वोटा होता है, उनकी अपनी पूरी निकलती है, और उसमें फिर कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, तो एग्जैक्टली आप चक्कर में मत पड़ो, कट ऑफ 70 से ऊपर जाता है, बस ये मुझे पता है,
जनरल का, दिस इज माय ओनली आंसर। तो डीयू का मैं आपको पेपर बता रहा था, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें वही जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉल बायो पूछा हुआ है। ये 44 क्वेश्चन तक मैं पहुंच चुका हूं, अभी तक मुझे क्लासिकल जूलॉजी के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिटजेबर जो है ये एक टर्म है जो कि एक्चुअली प्लांट फिजियोलॉजी का है, टाइम गिवर जिसको बोलते हैं। अब ये इतना खतरनाक सवाल, द फर्स्ट एशियन टू नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन द फिजियोलॉजी, सुसिमो टोनोगावा को 1976 में मिला था, तो ये आंसर हो नहीं सकता। हरगोविंद खुराना को 1969 में मिला था, और इन दो के बारे में मुझे ओशिमू योशिनोरी ओसुमू, ये शायद ईटीएस वगैरह से रिलेटेड था, नो आइडिया। और इसमें सवाल सिर्फ 50 पे आकर कहानी खत्म हो रही है। सत्रह, अठारह, अगेन डीयू में भी आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री रिस्क का है। तो द ओनली थिंग आई कैन से टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट रिलाय ऑन एनीबडी जो ये कहता है कि भाई ये जो सारा का सारा मामला डीयू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के मेरे पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे, वो भी मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली। सही बात, तो बिना चेक किए मैं आप लोगों के पास आ गया। तो एक काम जो मेरे साथ आप लोगों को करना है, दोज़ हू आर ऑन एकेडमी और समथिंग एल्स, सर यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी लाइक मी। कौन सी टेक्नोलॉजी? आप मुझसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहे हैं जो मैं यूज कर रहा हूं इस वक्त? सोनू कंवर भैया, आप लोग जनरेशन एक्स हो, मैं जनरेशन पुरानी जनरेशन का व्यक्ति हूँ। आई एम ए पर्सन ऑफ 1998, आप पर्सन ऑफ 2020, इट्स ए ह्यूज डिफरेंस भाई। आप लोगों में रुझ में इतना डिफरेंस है, डू यू नो इट सोनू कंवर? तो डिफरेंस तो आएगा ही भाई। मेरे पास केमिस्ट्री नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर एच हैदराबाद यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से अच्छा है, अगर आपका टिपिकल इंटरेस्ट जूलॉजी टाइप के एग्जाम में जाने के लिए है तो। देवाशीष बरीक, हैदराबाद के मैं अपने कुछ एडवांटेजेस बता दूं कि वो जो एरिया है अपना पूरा साउथ, हैदराबाद या बेंगलोर कहीं भी लो, दीज पीपल आर वेरी मच एडवांस। उन लोगों के लिए हर चीज का मतलब होता है यू नो इंडस्ट्री और जॉब्स के लिए वो लोग नहीं होते हैं। Either they go for the research, वहां पढ़ने का मतलब होता है रिसर्च या यू नो इंडस्ट्री। वो सरकारी नौकरी के चक्कर में उधर के लोग थोड़ा कम होते हैं।
वहां के जो कोर्सेज है वो इवन इसी तरह से डिजाइन होता है। वहां एनिमल साइंस का मतलब है रिसर्च, कि आप एनिमल हस्बेंड्री टाइप की रिसर्च में जाना चाहते हो। बीएससी बॉटनी करने के बाद, लो भाई आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लें फटाफट से, वरना मोहित नैयर बुरा मान जाएंगे। बीएससी बॉटनी के बाद तो आप वही तीन ऑप्शन बचते हैं आपके पास, गो फॉर। मैं आपका एक चार्ट बना देता हूँ। हाँ मैं सिर्फ ये बायोटेक वहां का मस्त, एनिमल बायोटेक। एक चीज को आप सभी लोग बच्चे लोग फॉलो करना, बीएससी किया, बीएड किया, बीएड की स्पेलिंग गलत ढंग से लिख दी मैंने, चलो कोई बात नहीं, पर एमएससी किया, एमएससी किया, नेट किया, नेट किया, टीचिंग की, पीएचडी की, टीचिंग की, बीएड किया, एमएससी किया, टीचिंग की, नेट किया, यूपीएससी किया, एमएससी किया, यूपीएससी किया, पीएचडी किया, यूपीएससी किया, एंड सो ऑन। बीएड किया, एमएससी किया, नेट किया। अब किसको क्या करना है देख लेना, ये मेरा तरीका है। अब किसको क्या करना है, कैसे करना है, यू पीपल डिसाइड। डिसीजन हमेशा ऐसे ही होते हैं, सच बात तो ये। कोई स्कोप नहीं है इस दुनिया में किसी चीज का जब तक आप अपने खुद एफर्ट्स नहीं करोगे। आई एम सॉरी, कट ऑफ का पता नहीं है हैदराबाद एनिमल बायोटेक का, शायद वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते। ऑनलाइन इस बार हो गया है तो वो डिस्क्लोज होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। आप इस ग्राफ का ये जो गोल चक्कर है ना, इसको आप ध्यान रखना, मोहित नैयर एंड ऑल। मोहित नैयर ने बहुत अच्छा काम किया था, इन्होंने क्या बीएससी प्लस बीएड कर रखा है, तो इज ऑलवेज इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत एडवांटेज में होते हैं। ये जब चाहे अपना करियर करियर का पाथवे चेंज कर सकते हैं। ये जो डिग्री है मुझे तो बहुत पसंद है, एटलीस्ट ह्यूमन डिग्री, आई लव दिस डिग्री, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये चाहे तो यहीं से कूद के इसमें जा सकता है। ही कैन जंप डायरेक्टली टू ओवर हियर, ही कैन जंप ओवर हियर, ये सब कुछ छोड़कर सीधे के सीधे यूपीएससी करके फिर अपना पाथ देख सकता है, अगर कोई मुझसे पूछे तो। बट चूंकि ये बात तो अब निकल चुकी है, इस पर हम डिस्कस करेंगे नहीं। ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे यहां पर कि अभी अपने को यहां पहुंच के क्या करना है। हाँ, लेकिन आपके बीएड के साथ एमएससी बायोटेक करने कोई फायदा नहीं होगा। मिस दीक्षा शर्मा जी, आप कौन से स्टेट से हैं मिस दीक्षा? क्योंकि राजस्थान में अगर हैं तो अभी आप फायदे में इस वक्त इन राजस्थान। नहीं मैं बता रहा हूं रीजन, राजस्थान में अभी पिछले बार से आप फर्स्ट ग्रेड टीचर, अगर आप समझते हो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर दोनों में आप एलिजिबल हो गए हो। फर्स्ट ग्रेड बोले तो 11th 12th का टीचर, और इसको बोले तो 8th 9th 10th का टीचर। हाँ राजस्थान से तो आप एडवांटेज में, यू मस्ट अपियर फॉर दिस स्कूल लेक्चरर एग्जाम, आपकी ऐश है बिल्कुल अगर आप राजस्थान से हो तो। और स्टेट्स में पता नहीं हर जगह पे झोलझाल है इस दुनिया में अभी, लेकिन एक डिसएडवांटेज मैं बता दूं, राजस्थान में अगर अभी भी आप नेट क्वालिफाई करके कॉलेज लेक्चर देना चाहो
तो अभी तक इनका मामला कोर्ट में अटका हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मेनी थिंग्स, तो ये एक एडवांटेज है आपके लिए तो। लेकिन इस पाथवे को जरा फॉलो करना जिंदगी में, अगर कहीं ना कहीं बुलबुला उबल रहा है यूपीएससी का, तो उसको जरा सपोर्ट कर देना बेचारे को, यूपीएससी या वट एवर जो भी पीएससी एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के, जिस भी स्टेट से आप लोग आते हो। हाँ तो यू मस्ट गो फॉर दिस। मैं तो ये कहूंगा कोई सरकारी नौकरी लो और यूपीएससी प्रिपेयर करो आराम से। धनवंत देव, चलिए आइए भैया क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, नहीं तो लोग बुरा मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेक सफरिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक पोल्यूशन? नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन वाली जगह पर क्या क्या होगा ही होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हाई होगा। आंसर इज सी, बेसिकली पूछ रहा है यूट्रोफिकेशन का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, बीओडी बढ़ जाएगा वहां का, हाई ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रोबेबली एबसेंट एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऑक्सीजन थी ही नहीं। रिसर्च का ऑप्शन तब सेलेक्ट करो जब आपने जिंदगी में कुछ देख लिया हो। हमारे यहाँ जयपुर में एक बड़ी अजीबोगरीब पागलों जैसी वो चल रही है कि बीएससी के साथ आप नेट प्रिपेयर कर रहे हो, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और बचकाना हरकत कोई नहीं हो सकती। ये नेट आपको काम तभी आएगी जब आप एमएससी कर लोगे, ठीक है, और ये नेट काम आनी है असल में आपको पीएचडी के लिए, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। मेरा मानना है पीएचडी करने तभी जाओ जब आपको लगता है एमएससी से, एमएससी में आप सुखी थे, विज्ञान आप कर पाए, ठीक है, आपका विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है और आपके बस का ही नहीं, तो नेट करके करोगे क्या? छोड़ो आराम से, कहीं और जाके करियर बनाओ। ये आंसर ऑक्सीजन होगा भाई, अगर आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होने, तो मेरे को क्या करना है, मेरा क्वेश्चन है एबसेंट क्या था। ये आपके डीयू का कोई पेपर है, एक्स एक्स वाई, रॉन्ग मैच निकालना है एंजाइम क्लासिफिकेशन में, तो LILYHTO, इट इज 6 5 4 3 2 1, तो 1 ऑक्सीडोडिहाइड्रेट सही है, 4 लाइगेज गलत है, 3 हाइड्रोलेज सही है, ट्रांसफरेज सही है, दिस इज द रॉन्ग। Which of the following is not possible explanation for the rapid evolution of the beak shape of Darwin's finches? कौन सा इसमें से possible explanation नहीं है? नहीं पूछा है, selection pressure तो है, small population size कह नहीं सकते रुक जाओ, high mutation rate नहीं कह सकते, high migration immigration ये भी हो सकता है, तो not possible explanation, mutation rate बहुत high हो ये possible नहीं है, वरना पता नहीं क्या का क्या बन जाता। स्मॉल पॉपुलेशन साइज में कोई भी जो चेंज है वो फटाफट से नजर आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्राइमरीली एन एक्टोथर्म? एक्टोथर्म आप समझते होंगे, इट इज पॉइक्लोथर्म, चलिए आप दीजिए इसका जवाब, मैं भी क्या कहूं। सेवंथ का क्वेश्चन नंबर 7, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन,
Which of the following molecule is most abundant in the living system? दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिविंग सिस्टम है, इट इज ऑलवेज द सेलुलोज. यहां गंदा सवाल मैं कर लू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन? आंसर आएगा रुबिस्को. सवाल का ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजिंग बेवकूफाना सवाल होता है यूजुअली. या मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल पूछा है, सेलुलोज. विच सिस्टम इज एक्टिव अंडर स्ट्रेस? याद रखने का तरीका, जब आप प्यार में होते हो तो आप प्यार भरी बातें करते हो, लेकिन गुस्से में हो गए तो क्या करोगे, आपको आपसे मुझे सिंपैथी हो जाएगी. सिंपल सा फंडा, प्यार भरा और गुस्से वाला, ये हमेशा क्या करेगा, आपकी जिंदगी को एडजस्ट करेगा और ये आपको एडजस्टमेंट से अवे लेके जाएगा. स्ट्रेस क्या होता है, जो अवे लेके जाए, सिंपैथेटिक. द फेमस क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1936 और अंग्रेजों ने इसको घोषित किया था, और वो जो अंग्रेज का नाम था वो एक ही जगह नजर आ रहा है आपको, इट वॉज जिम कार्बेट, नॉट एग्जैक्टली देहरादून, इट इज आई थिंक वो उत्तराखंड में है, ये कौन सा है, रामपुर के आगे से शुरू होता है ये बहुत फेमस सवाल. डबलिंग टाइम फॉर इकोलाइज 20 मिनट्स, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियम कल्चर इज 100, इसको मैंने लिख दिया N0 इज इक्वल टू 10 to power 2, व्हाट वुड बी द नंबर आफ्टर 60 मिनट्स, तो इनटू एनटी इज इक्वल, मैंने रूटीन का फॉर्मूला है, एनटी इज इक्वल टू N0 इंटू 2 to power n, 10 to power 2 इंटू 2 to power 3, 8, मामला कितना हो गया 800. दो तीन डिस्ट्रिक्ट में, बरेली के आगे से शुरू होता है. स्क्रीन नॉट क्लियर, मेरी तो सही है यार. एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन क्या बला है इस दुनिया में, हमें ये तो पता है बारबोडी बनती है, लेकिन ये होता क्या है? सो इट इज अ कॉज ऑफ द वाई क्रोमोसोम बीइंग जेनेटिकली इनएक्टिव, गलत बात है. तो टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन सो दैट सेम एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिव इन ऑल द सेल्स इन फीमेल, ये तो पूर्ण रूप से बात गलत है. नॉर्मली टेक्स प्लेस इन मेल बट नॉट इन फीमेल, बात गलत है. रिजल्ट इन जेनेटिकली टर्निंग ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल मैमल, और एकमात्र बात यही सही जा रही है. आरपीएससी एसीएफ में हमारा क्या चांस है? सोनू कुमार यार, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, बस यही चांस है. तो 1.5 महीने में कोर्स करा सकता हूँ आपका. मैंने वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा रीजन था आपके आरपीएससी का, वो मैं ये हमेशा से जानता हूँ कि बॉटनी और जूलॉजी अगर मैंने खड़े होके पढ़ाया तो मुझे लगेगा कम से कम 4 महीना, और ये भी तब जब मैं कम से कम 3 घंटे डेली पढ़ाऊंगा, अगर मैं लिखवा के नोट्स बनाऊंगा. तो मैंने एक तरीका अपनाया, मैंने पहले नोट्स बना रहा हूं और इन नोट्स के ऊपर वीडियो बनाया और वीडियो अपलोड कर दिया मैंने आई गुरुजी के ऊपर. आप लोगों की रफ्तार हो गई है, जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है वो एक दिन में आधी यूनिट खत्म कर जाते हैं. एंड दिस इज हाउ द थिंग्स कैन बी डन. एंड द सेम थिंग आई एम डूइंग दिस ऑन आई अवर आईआईटी जाम सीएसआरनेट, सब में मेरा यही तरीका है. होना जाना वही है कि क्वेश्चन पेपर मुझसे डिस्कस करने हैं आपको, जो कि मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ. तो थ्योरी में मैं इतनी सारी मेहनत क्यों करवाऊँ, क्यों नोट्स बनवाऊँ? मैंने उल्टा कर दिया नोट्स, मैंने हाथ से बना दिए पूरे के पूरे, क्या फर्क पड़ गया उसमें? अब ये बात आप लोगों को समझ में आती नहीं, आप लोगों को लगता है टीचर खड़ा होना चाहिए 5 घंटे. भाई साहब बीपी क्यों बढ़ाऊंगा मैं मेरा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज माई बीपी. 13th आइकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम द पायनियर टू क्लाइमैक्स, बायोमास शेल, बायोमास बड़ा शानदार वाला मामला है. कॉमन सेंस लगाइए, अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोसेरे को इंक्लूड कीजिए साहिब, तो हाइड्रोसेरे से लेके अगर आप पूरा फॉरेस्ट तक चले जाओगे तो बायोमास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. इंपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय लिवर सेल, क्या चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती, क्या चीज नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती,
क्या चीज नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये जनरली सभी सेल्स में मिलता है. आंसर क्या बन गया? ग्लट टू. इज इट सो? ओरिजिन ऑफ द जॉज इन नेथोस्टॉम. गिल आर्क नहीं हो सकता, नोटोकॉर्ड नहीं हो सकता, बोन सपोर्टिंग द क्रेनियम और हायड, दो ही चॉइसेस बचती हैं. ठीक है, और जॉ किसको बोलते हैं? कुछ इस टाइप की चीज. डायनेमिक्स ऑफ विच साइटोस्केलेटन एलिमेंट चेंज इन द मूविंग अमीबा. सेल का अपना खुद का पूरा मूवमेंट करवाना है तो मरे भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है. इंटरमीडिएट फिलामेंट शेप्स को बनवाता है, माइक्रोट्यूबल सीलिया फ्लैजिला को जलवाता है, और बच गया आपका एक्टिन फिलामेंट्स. सिंपल सिंपल सवाल है, कोई बड़ी बात तो आती नहीं है. इज इट कूल? रिपीटिंग कोर सीक्वेंस 2, 3, 4 बेस पेयर्स आर नोन एज. क्या चीज बोलते हैं इसको? VNTR जैसी कोई चीज होती है क्या? आंसर इज माइक्रोसैटेलाइट. हार्टेयर क्या होते हैं? ड्रोसोफिला के वाले पंख जो एक्चुअली काम नहीं आते. तो डिवाइस यूज बाय द मेल इंसेक्ट टू अट्रैक्ट फीमेल, गलत बात. बैलेंसिंग ऑर्गन, गलत बात. हाल्टेयर मॉडिफाइड फॉर विंग्स इन द बीटल. विंग्स होते हैं हाल्टेयर. सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो आप लोग करनी चाहिए. जो मेरी यहाँ पर्पस था आज के इसका पूरा का पूरा, वो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि प्लीज आप अपने आप से या किसी और से सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट जो हम प्रिपेयर करके जाए. बहुत खतरनाक और गंदा सवाल है, मरवाने वाला सवाल है, क्योंकि आजकल किसी एग्जाम का भरोसा नहीं कि अगला वाला एग्जाम किस टाइप का आएगा. क्योंकि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल ले दूंगा IIT-JAM का. अब तक मैं ये मानता था कितनी एग्जाम 9 फरवरी के पहले तक कि भैया कट ऑफ तो वही 35 के लगभग जाएगी. मैंने सारे बच्चों को उस हिसाब से प्रिपेयर करवाया. मामला हो गया बुमरेंग, उल्टा चल गया मामला. टिपिकल NCERT टाइप के क्वेश्चन पेपर आया और कट ऑफ 60 से नीचे जा ही नहीं सकती. दिस इज माई आउटलुक. तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते. कोई भी जो फैटी एसिड है उसको असेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम को 9 से बियॉन्ड अनसेचुरेशन इंट्रोड्यूस करना नहीं आता हमारे सिस्टम को. पैसिव इम्यूनिटी यानी कि कुछ बना बनाया आपको मिल जाए. बना बनाया कब मिलता है? इस वाले केस में. तो ये कुछ एक सवाल है जो मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किए हैं. चलिए, सी यू गाइस. अगला सेशन मैं एक दो दिन में फिर लूंगा, अनअकैडमी पे लूंगा मैं स्पेशल सेशन. तो जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी.